इंस्टाग्राम स्टार मधुबनीचे विजेते राजा नायडू आणि त्यांच्या सेव यांनी या ठिकाणी आमच्या मंडळाला सदिच्छा भेट दिली. त्याबद्दल मंडळाच्या वतीने याचा पुढा मला काही नाही. आता पण मला काही नाही. इंस्टाग्राम ए बंटू गोले बंटू गोले ओ फार दमलं देखले. வணக்கம் வந்தனம் சுஸ்வாகதம் வெல்கம் டு ராஜாஸ் ப்ளாக். तो फ्रेंड्स अभी हमने भाऊबीज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और भाऊबीज सेलिब्रेट करते करते पता ही नहीं चला कब 12 बज गया और हमारा लाइफ का सबसे ज्यादा स्पेशल डे मतलब हमारा मैरिज एनिवर्सरी स्टार्ट हो गया है 7th of November. तो ये ज्यादा स्पेशल है ये एनिवर्सरी बिकॉज ये हमारा 10th वेडिंग एनिवर्सरी है. तो व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं एक नया व्लॉग. तो हमारे एक फ्रेंड हमारे फैमिली सब मिलके केक लेके आए. हमने केक काटा सेलिब्रेट किया मम्मी के इधर. तो हम लोग ऐसे एक आउटिंग के लिए थोड़ा बाहर निकले हैं. तो चलो देखते हैं अभी हम कहाँ जा रहे हैं. मुझे भी आइडिया नहीं है. तो वहाँ पे जाके अगर हो सके तो छोटा सा एक वीडियो हम लोग बनाते हैं. तो गाइस केक कटिंग हो गया आपने देखा रहेगा. हम लोग आए अभी साइन में खाने के लिए क्योंकि लेट तलब यहाँ पर ही मिलता है. तो हम लोग कैसा वैरायटीज भी ज्यादातर लेट होने के बाद भी यहीं पे मिलता है. तो हम लोग कैसा खाते हो हम लोग कैसा खाते हो वो देखिए. हाथ से खाते है देखिए. तो ये है भुर्जी पाव. बहुत टेस्टी है स्पाइसी है मस्त है मस्त है. तो गाइस ये सुबह होने के बाद हम लोग फिर बाद में ये डेकोरेशन वाले लोग आए थे. तो इनका ये डेकोरेशन वाले लोग का पूरा डिटेल आपको निकिता बाद में देगी वीडियो में. तो बने रहना देखना डेकोरेशन कितना मस्त किया है ये लोग ने. ओके गाइस चलो. तो हाय गाइस जैसे कि हम लोग का एनिवर्सरी है तो देखो इतना सारा डेकोरेशन किया है आज. हाँ. और ये डेकोरेशन कौन किया निकिता आपको बताएगी. यस सर ये डेकोरेशन प्राजक्ता मैम ने किया है. एक्चुअली हमारा ये 10th वेडिंग एनिवर्सरी है. ऑलरेडी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत स्पेशल है बिकॉज 10th है. इस वेडिंग एनिवर्सरी को और स्पेशल प्राजक्ता मैम ने बनाया है. थैंक यू प्राजक्ता मैम. ये पूरा डेकोरेशन आप देख सकते हो और केक भी उनके तरफ से ही आया है. इसी तरह अगर आपके घर पे भी छोटा इवेंट है अगर आपको घर पे बनाना है तो बहुत मिनिमम बजट 1000 से लेकर स्टार्ट होता है ऐसे डेकोरेशन के साथ. आप उनको कंसल्ट कर सकते हो और बाकी जो भी डिटेल्स है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. yes, उनका हाँ. लिंक सब दे देंगे और उनका ये पूरा इसका नाम है द डेली बेकर्स. द डेली बेकर्स. और हम लोग को आपको ऐसा लगता रहेगा हम लोग का घर थोड़ा सा छोटा है फिर भी उन्होंने इतना अच्छे से डेकोरेशन किया. थैंक यू प्रजक्ता मैम एंड द डेली बेकर्स. Yes. और अभी हम लोग आपको जल्द से जल्द आपको केक बताएंगे उन्होंने केक कैसा भेजा. हाँ, हाँ, हाँ. बने रहना झूमर बलून. तो गाइस देखो केक भी देखा आपने क्या मस्त मस्त भेजा है उन्होंने. हम लोग के थीम के हिसाब से जो है ये व्हाइट वाला केक भेजा जो थीम है उसके हिसाब से केक भी उन्होंने केक भी भेजा. पीछे का डेकोरेशन भी व्हाइट और गोल्ड के हिसाब से. और उन्होंने बोला था कि जब आपका एनिवर्सरी का ये रहेगा हम लोग सेटअप करेंगे तो आपके लिए 100K का भी भेजेंगे. जैसे कि हम लोग का इंस्टाग्राम में 100K हो गया है. हाँ. उनके लिए प्राजक्ता मैम थैंक यू वेरी मच. आपका डेकोरेशन भी बहुत अच्छा लगा केक भी बहुत अच्छा लगा. अगर आपके घर में छोटा भी फंक्शन है 1000 से इनका बजट स्टार्ट होता है
तो एक बार डेफिनेटली ट्राई करो, छोटे से छोटे घर को भी इतना अच्छा डेकोरेट करके ये लोग एनहांस कर देते, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कम बजट में होता है। हाँ। इनका आईडिया आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, जाओ और आपका बर्थडे एनिवर्सरी बेबी शावर बहुत से फंक्शन जो भी है फंक्शन आप कर सकते हो। अच्छा उनका आईडी में जाके चेक कर लेना। हाँ। एकदम मस्त मस्त डेकोरेशन है। थैंक यू। और आप लोग का जो विशेष हम लोग को दिया आप लोग ने यूट्यूब में और इसमें इंस्टाग्राम में, तो थैंक यू वेरी मच। हाथ रखो, वन टू स्माइल के साथ स्माइल देने का। 5, 6, 7 कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। निकिता निकल, सबसे पहले नैना को खिला। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। काट लो। तेरे को खिलाए, रुक ना, सबसे ले रहा हूँ। दे दो फोटो लिया? नहीं फोटो लेता है। हाँ लिया। फोटो ले ले। छोटा सा देखो स्नैक्स पार्टी चालू है। हम लोग एनिवर्सरी आज बनाने वाले थे। नहीं हम लोग वैसे भी मोस्टली मम्मी ने बोला कि एनिवर्सरी ऐसा हम लोग सब लोग को बुलाने वाले थे, लेकिन मम्मी ने बोला एनिवर्सरी मत बनाओ, आप लोग बर्थडे बनाओ, कुछ भी फंक्शन मनाओ, एनिवर्सरी बड़ा नहीं करने का कभी भी नजर लगता है ऐसा बोला। तो मम्मी का बड़े लोग का बात मानना चाहिए है क्या? नहीं तो इसके लिए हम लोगों ने किसी को बोला नहीं, किसी को बुलाया नहीं। हम लोग का नेक्स्ट कुछ अच्छा बड़ा फंक्शन रहेगा, तो सब लोग इनवाइटेड है, वो हम लोग आपको मैसेज करेंगे और आप लोग को सबको आना है और हम लोग फुल धमाल करेंगे। क्या बोलते हैं इधर? थैंक यू। ऐसे आशीर्वाद देते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो और कंटिन्यू। अभी है निकिता के एरिया में फिर से छोटा सा एक हम लोग ऐसा गेट टूगेदर पार्टी चालू रहता है, तो वो भी आपको बताएंगे और वो एकदम हाइट में, एकदम हिमालय के हाइट में होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारा वेडिंग एनिवर्सरी घर पे सेलिब्रेट किया, मदर इन लॉ का ब्लेसिंग्स लिया, छोटा सा ऐसा हमने स्नैक्स सिर्फ खाया क्योंकि हम लोग आज सब लोग उठे ही लेट थे क्योंकि कल सुबह नहीं आज सुबह 4 बजे आए ना राजा, हम लोग घर पे सुबह 4 बजे आए भाव बीज बनाकर, तो लेट उठे तो थोड़ा स्नैक्स खाए। फिर अभी शाम के 6 बजे है, अभी मैं निकल रही हूँ मम्मी के घर पे, वहाँ पे भी एक गेट टुगेदर रखा है सब लोगों ने, तो वो भी अटेंड करेंगे, फिर वहाँ पे भी एंजॉय करेंगे। उसके पहले हमको एज ए गेस्ट शिवरी में बुलाया ना, और एक जगह में शिवरी में बुलाया है, देखते हैं अभी अपन जा पाते हैं क्या नहीं। हाँ, कोशिश फुल कोशिश करते हैं, किसी को भी नाराज नहीं करते क्योंकि हम लोगों को दिवाली और भाभी जी ये पूरा ओकेशन में बहुत लोगों ने घर पे बुलाया, सभी को थैंक्स। हम नहीं जा पाए क्योंकि हम ऐसे चाहते हैं कि ये जो फेस्टिवल होता है वो घर पे रहकर फैमिली के साथ मनाना अच्छी बात होती है ना, इसके लिए हम लोग ने बहुत जनों के बुलाने के बावजूद भी हम लोग गए नहीं, तो सॉरी और थैंक यू आप लोग ने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। कोई और एक अगर ऐसा मौका मिला तो जरूर हम लोग आएंगे, तो अभी हम देखते अगर आज हो सके पॉसिबल है तो वहाँ पे जाके फिर मम्मी के इधर जाके देखते कैसे एंजॉयमेंट करेंगे। तो बने रहना हमारे चैनल में। टाटा साजा करीत आहोत आमच्या मंडळाच्या विनंतीला मान देऊन, आमच्या मंडळाचे सल्लागार मित्र राजा नायडू यांचा परिचय विजेते 2008 चे बोगीबोगीचे विजेते
लग्नाच्या वाढदिवसाची हार्दिक शुभेच्छा देतो. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. आणि इच्छापूर्ती महालक्ष्मी आपले जीवन सुख समृद्धीचे आणि भरभराटीचे करेल अशी आम्ही त्यांच्या आई इच्छापूर्तीच्या महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना करीत आहोत. इंस्टाग्राम स्टार बुजुर्गीचे विजेते राजा नायडू आणि त्यांच्या सौ यांनी या ठिकाणी आमच्या मंडळाला सदिच्छा भेट दिली. त्याबद्दल मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांच्या ठिकाणी त्यांना एक पुष्पगुच्छ व शाल देतात. त्याला तो मला सत्कार द्या. तो है गाइस, अभी मंडप में हम लोग जो बुलाया था हम लोग जाके आए. तो अभी हमारे सिकंदर भाई है उनके घर पे बुलाया है. यहाँ पर आया और सिकंदर भाई के घर पे नहीं गया तो क्या किधर गए? तो उन्होंने हमको दिवाली का फरल दिया है. दिवाली का अभी बहुत टाइम टू दिवाली में हम लोग फरल कर रहे हैं. दिवाली में ज्यादा पहले था लेकिन खाने का मौका नहीं मिला. आज आराम से बैठ के मैं ये अपना करंजा ये हमारा करंजा आज श्रेयस शर्मा ने हमारे लिए देखो हमारा कितना अच्छे से स्केच बनाया है. इसने बहुत अच्छा लगा. मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी डाला है इसको. तो थैंक यू वेरी मच श्रेयस. थैंक यू. और बहुत अच्छा लगा मेरे को. एक हफ्ते से मेरा ही डीपी रखी ला उसने. उसके लिए थैंक यू. हमें पता नहीं था, हमें सिर्फ बुलाया था. फिर पता चला कि यहाँ पे दीपोत्सव के मौके पे चार दिन के लिए ना राजा, चार दिन के लिए महालक्ष्मी देवी को बिठाए जाते. मतलब जैसे नवरात्रि में होता है वैसे ही चार दिन के लिए अभी विसर्जन भी होगा. उन्होंने विसर्जन के लिए भी बुलाया है बट टाइम मिलेगा क्या पता नहीं. शिवरी में मैं बचपन से पली बड़ी हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा एक है. आज पहले बार ना राजा ये चीज पता चला कि दिवाली के टाइम पे भी ऐसे फंक्शन होता है यहाँ पे. और दो तीन जगह में भी देवी बिठाई है. और ये शिवरी में हाँ. यही जगह में मतलब इसके आसपास में ही एक पांच मंडल है वहाँ पर ऐसा होता है. बाकी कहाँ पर भी कहीं पे भी नहीं होता है. सिर्फ ये शिवरी के आसपास के पांच मंडल में. और लेकिन देवी क्या बीता है. और महालक्ष्मी देवी मस्त. उनका डेकोरेशन मस्त 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 अच्छा. और हम लोग को अच्छा रेस्पेक्ट भी दिया, फैसिलिटी दिया. मेन तो हमको देवी का दर्शन मिल गया आज के मौके पे. हमारे वेडिंग एनिवर्सरी के मौके तो पे भी अच्छा लगा हम लोग को. मतलब हम लोग को पता ही नहीं हमें क्यों बुलाया है. हमें लगा कुछ और फंक्शन हो सकता है बट जब गए तो अच्छा लगा. ऐसा लगा देवी ने खुद हमको ऐसे ब्लेसिंग्स दिया है बुलाकर. उनका दर्शन देके बहुत अच्छा लगा. तो अभी जाते हैं अपन पार्टी के लिए यस. तो गाइस जैसे कि आपको बोला था हमारे अभी शिवडी में थोड़ा सा छोटा सा पार्टी है. तो देखो ये तैयारी सब हो गया है. उधर भी दिखाया वो. ये टेरेस का दो तरफ है तो एक तरफ हमने खाने के लिए रखा है और एक तरफ हमने डांस फ्लोर के लिए रखा है. तो अपने आधा पब्लिक वहाँ पर है. देखो यहाँ पर देखो डीजे सेटअप है. यहाँ पर नाचने वाला ये हमारे एनिवर्सरी का अभी फंक्शन होने वाला है बड़ा सा. ये कब हुआ? ओके तो अभी हम लोग एंजॉय करने वाले. एक्चुअली हम लोग हर भाव बीज में ऐसे एक गेट टुगेदर रखते हैं. तो इस बार सैटरडे हो गया तो सैटरडे बहुत से लोग हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं. तो हमने संडे मतलब आज ये भाव बीज के फंक्शन को हमने पोस्टपोन किया. तो आज हम लोग सेलिब्रेट करने वाले एक्चुअल भाव बीज. ओके तो बने रहना. अभी थोड़ा डांस भी होने वाला है. डीजे भी आए. डीजे से पे तू. ओके गाइस तो लोग बने रहना. तो गाइस हमारे इधर एकदम स्पेशल गेस्ट आए हैं कृषि और यूने.
और ये अपने लीला दीदी है, और हम लोग अभी डांस करने वाले, मचाने वाले, ये भी आए हैं, सब लोग आए हैं, तो हम लोग का डांस देखने के लिए बने रहना गाइस। बी रिची गर्ल्स गाइस गाइस गेट ऑन द फ्लोर गाइस व्हाट यू डू यू चेयर गाइस बहुत नाचा फट्टे नाचा। अभी खाने का टाइम है, खाने में है चिकन पैटीज, फिर चिकन कांडी और फिर शाही रोल, शाही कबाब। ये खाना नहीं है, ये स्टार्टर है। हाँ स्टार्टर है, सॉरी ये स्टार्टर है। तो सब भाई बहन लोग सब बैठ के मस्त एंजॉय कर रहे हैं, भाई लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। Happy wedding anniversary. Oh, Basaji.
तो गाइस देखिए हम लोग ने कितना मजा किया आज, और इसी तरह यहाँ पर ये ब्लॉग खत्म करते हैं। अभी बज रहे हैं कितना, नहीं 2:30 के या 3 के आसपास है हम लोग, 2:26। तो अभी हम लोग ने पैकअप कर लिया है, अभी हम लोग को यहाँ से घर पे जाना है। और यस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड मेकिंग दिस बाऊ बीच वेरी वेरी स्पेशल। दिस संदीप, दिस इज विक्की, एंड दैट इज थक गया, मैं थक गया, काम कर कर थक गया। ग्रेट जॉब, जितना भी था इंग्लिश बोल दिया आपको, सो फ्रॉम आइजन डैंगलेजन, बहुत थक गए हम लोग। तो थैंक यू, ऐसे बने रहना, निपटा भी सब हम लोग ही रहे हैं। हाँ तो थैंक यू, सब्सक्राइब किसी को भी मत बोलना, सब्सक्राइब कमेंट शेयर। इतना दिन मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला, आज मैं शांत में बोल रहा हूँ, प्लीज कीजिए, रिक्वेस्ट है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।